बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ जंगी बुनियादों पर कार्रवाई शुरू की गई है। वादी कश्मीर में बिजली चोरों को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने बताया कि सार्फीन वाजिब अदा बिलें वसूल करने के लिए कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने तमाम अजला में अपनी मुहिम को तेज़ कर दिया है और ऐसे सार्फीन जिन्होंने मुबैना तौर पर गैर कानूनी तरीके से बिजली लगा रखी है उनके खिलाफ जुर्माना आयद किया गया। अहदेदार ने बताया है कि हर किसी अजला में मुहिम को तेज़ कर दिया गया ताकि बिजली चोरों पर रोक लगाई जा सके। बयान में यह भी कहा गया कि वही कि ज़िले कुलगाम के मुख्तलिफ इलाकों में दमाल, हाजीपुरा, आडीजन, पम्बई, कोंड, शिमुशी, कातरसू, काडर, फ्रिजल, कैमू व दीगर कई इलाकों में एक छापामारी टीम ने गैर कानूनी तरीके से बिजली के हीटर इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और कई हीटर जब्त करके उन्हें तबाह किया गया। तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से जो मुलाजमीन हैं एक टीम जो है वो किस तरह से इन हीटरों को तोड़ रहे हैं और ये गैर कानूनी तरीके पर बिजली का इस्तेमाल कर रहे थे और महकमा ने खबरदार किया है उन सार्फीन को जो गैर कानूनी तरीके से हुकिंग करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जो है सख्ती से की जाएगी। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से एक टीम जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में घूम रही हैं और गैर कानूनी तरीके से जो बिजली के जो लोग हुकिंग करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है और जिस तरह से साफ तौर पर तस्वीरों में दिख रहे हैं कि किस तरह के हीटर जो हैं वो तबाह किए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पर कि किस तरह के जो मुलाजमीन हैं किस तरह से वो हीटर तबाह कर रहे हैं और इससे जो है बिजली का निज़ाम जो है वो भी बेहतर हो सकता है। फ़िलहाल आप बने रहे हमारे साथ।